सर्कस में आपका स्वागत है, जहां लगा हुआ है कॉमेडी का लंगर। शो की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि पब्लिक डिमांड पर हम फिर एक बार लाए हैं कॉमेडी सर्कस की सबसे हिट परफॉर्मेंसेस। लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल, वो ये कि एक जोड़ी की बेस्ट परफॉर्म एक्ट पेश करेगी कोई और जोड़ी अपने अनोखे अंदाज में, यानी इसकी स्क्रिप्ट उसके सर। चैलेंज ये है कि आज की हमारी जोड़ियां ओरिजिनल परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। इट्स टाइम नाउ टू कॉल आवर रिंग मास्टर, सो प्लीज वेलकम आवर लवली जजेस, द वेरी ओरिजिनल सतीश शाह, अर्चना पुरन सिंह, जिनका दूसरा रीमेक बनाना ही इम्पॉसिबल है, और शेखर सुमन, जिनका हर रीमेक काबिले तारीफ है। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर थ्री जजेस। दैट वाज अ स्मार्ट वन। वैसे बारी तो है अब हमारी पहली जोड़ी की, लेकिन कॉमेडी सर्कस का रिबन सिर्फ एक ही शख्स काट सकता है, जिसका रीमेक बनाने से लोग डरते हैं। सो प्लीज वेलकम फॉर सम शानपट्टी शाने शकील। हेलो, अबे तू है कौन मनहूस के बच्चे? तू मुझे मिल जा, तेरी गर्दन पे थूक के भागूंगा मनहूस। क्या हुआ? ये कोई कमीना है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। सुबह से कोई 24 फोन कर चुका, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ? तो ये तूने मेरे पीछे छोड़ा है। जुम्मे की नमाज के बाद मेरे नंबर बांटे खड़ी होके वहां पे। चलिए गुस्सा थूक दीजिए, मुझे मरना है, मुझे कोई तरकीब बता। अच्छा हाँ बता। तो समुंदर में डूब जाइए। मैंने छलांग लगाई थी समुंदर में, समुंदर ने बाहर छलांग लगा दी। कहने या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। ठीक है, फिर किसी फिल्मी हीरोइन से सच्ची मोहब्बत कर लीजिए। मैंने इंसान की मौत मरना है, कुत्ते की मौत नहीं मरना है। ठीक है, फिर गोली खा लीजिए। गोली खाई थी, सर का दर्द गायब हो गया। मैं बंदूक की गोली की बात कर नहीं, उसकी बात नहीं करना, प्रॉब्लम है, मुझे खून निकल आता है। अब ये आखिरी तरकीब बता रही हूं। बता। आप किसी ऐसी लड़की को छेड़ दीजिए जिसके 6 भाई हों, वो मार मार कर आपको मार ही डाले। तेरे कितने भाई हैं? मेरा सिर्फ एक ही भाई है। 6 दफा छेड़ लूं तुझे? चलो खुदकशी कैंसिल करते हैं, इकट्ठे ही मरेंगे। मुझे नहीं मरना। मेरे साथ 2 दिन रहोगी, खुद ही मर जाओगी। अगर मेरे से नहीं मरी, मेरे मोजे के बदबू से मर जाओगी इंशाल्लाह। जाइए वहां जाकर बैठिए, बाय। हेलो हेलो। आ रही है पहली जोड़ी। यमराज का सिस्टम कर गया है क्रैश। कंफ्यूज्ड है कि टीवी के एक्टर्स इतनी बार मर मर के जिंदा कैसे हो जाते हैं। इस पहेली को सॉल्व करने आ रहे हैं यमराज VIP सोप क्वीन जूही एकता कपूर से मिलने। लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं कि ओरिजिनल एक्ट में ओरिजिनल जोड़ी ने क्या जलवे दिखाए। तुम्हारी वजह से हमारे अकाउंटेंट चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया। तुम आदमी मारती हो, वो मुर्दों में एंट्री करता है, उतनी देर में तुम जिंदा कर देती हो। तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। हमारे वहाँ एक न्यूज पेपर निकलता है, नर्क टाइम्स, उसमें सिर्फ तुम्हारे बारे में ही छपता है। इसका कोई नहीं हल है, दुनिया सच कहती है, एकता में बल है। चल मालूम है, मालूम है। हाँ सुनो, वो द्रौपदी के चीर हरण का सीन ना, कम से कम 6 एपिसोड तो चलना चाहिए, इतनी लंबी साड़ी मंगवाना ठीक है? लेकिन मैडम 6 एपिसोड देख देख के लोग बोर नहीं हो जाएंगे? अबे खुफिये, पिछले 7 सालों से मैं एक ही चीज दिखा रही हूँ, कोई बोर हुआ क्या आज तक? ओके मैडम, ओके। मैंने परमिशन दी क्या हंसने की? कौन है? मैं यमराज है, यमराज। अबे यमराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, कहानी की सेट से फोन आ रहा है, चल जल्दी जा। कहानी में मेरा क्या काम है? मैं स्पेशल एपिसोड कर रही हूँ, जिसमें कहानी और महाभारत के एक्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं। स्पेशल एपिसोड। यमराज का महाभारत में कोई रोल नहीं है माते। मेरे मुंह लगाना तो दूंगी 2 चांटे। मैं तुम्हारे सीरियल के करेक्टर नहीं है, मैं सचमुच का यमराज है, यकीन नहीं आता, सामने देखो मेरा वाहन है। वो भैंसा? वो तेरा वाहन है? तू उस भैंसे पे आया यहाँ तक? अबे तू सच्ची का यमराज है?
तेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ है मेरे को। पहले मैं डिसाइड करने का कि किसका टाइम पूरा हुआ है, लेकिन आजकल वो काम तू करने लगी। तू तो मेरा नहीं ब्रह्मा जी के काम में टांग अड़ा रहे। ब्रह्मा जी को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? वो कितना मुश्किल से अलग अलग चेहरा बनाता है ताकि मेरा यंगुट लोग को उठाने में तकलीफ ना हो, लेकिन तू प्लास्टिक सर्जरी से कर करके एक ही शक्ल का कितना आदमी खड़ा कर देती है तू। एक मीर नाम का प्राणी, उसका मरने वाले में इतना बार एंट्री वाला लिस्ट के अंदर मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि तुझे मुझसे नहीं मीर से प्रॉब्लम है। हाँ, और बा से भी। अब बा से क्या प्रॉब्लम है? मेरा 12 यमदूत लोग बा के घर के बाहर 150 साल से बिल्डिंग कर रहा है, लेकिन तू इसको टपकाने का नाम लेती नहीं है। तो एक काम कर, अपने यमदूतों को ना वो शकील के घर के सामने शिफ्ट कर दे, वो उनसे भी सीनियर है। ए! उसको लेके गया था 3 बार नरक में हंसा हंसा के स्वर्ग बना दिया उसने। तो उससे कुछ सीख यार, रोने धोने का घटिया सीरियल बनाती है। मेरे सीरियल को घटिया बोल रहा है तू? घटिया, तेरी बड़ी हिम्मत है। हिम्मत के नाम लेने का नहीं। हिम्मत तो बाबा तेरा है। अपना भाई को लेके पिक्चर बनाया, क्या कूल है हम। बाद में लोग पिक्चर देख के बोला कितना फूल है हम। देख, तू मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। कैसे जानता है? हाँ, वो हम लोग किधर चैनल आता है, नर्क टाइम चैनल, दिन भर 13 खबर आता है, सिर्फ 13। क्यों बे, नर्क में तेरे बारे में कुछ नहीं आता है? कैसे आएगा, तू और राखी सावंत अगर चैनल छोड़ेगा तो हम लोग घुसेगा ना। तुझे टीवी पर दिखने का शौक है ना, चल मेरे सीरियल में रोल करेगा। एक काम कर, हंस के दिखा, रो के दिखा, गुस्सा होके दिखा, वेरी गुड। अरे एक ही पोज में इतने एक्सप्रेशन मेरे सीरियल का कोई भी सो कॉल्ड एक्टर दे ही नहीं सकता। रोल फाइनल। अरे यार, वो लोग तेरे को फोकट में गाली देते हैं, तू तो अपना एक्टर को बिना काम करे पैसे दे रही है। बटरिंग बटरिंग मत कर, मेरी टाइम नहीं है मेरे पास। एक काम कर, ये ले, ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर, अगले 2 साल तक तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, चल। एक मिनट, ये कुछ कवरी में चित्रगुप्त को दिखता है। ए गुप्ता, जो इधर साइन करता है ना वो किधर जाता नहीं है, और जो जाता है ना वो किधर का रहता नहीं है। मेरा नर्क को कौन संभालेगा? अबे मैं हूं ना, मेरा भी तो धरती पे प्राइवेट नर्क है। तूने सही बोला एकता, तेरे में मेरे कुछ नहीं फर्क है। भाई जब राजीव और काम्या ने ये एक्ट किया था तो जजेस ने उन्हें दिए थे 28 मार्क्स। चलिए देखते हैं जजेस का अब क्या कहना है। मेरे ख्याल से पहली दफा किसी ऐसे शो में हो रहा है कि एक ही एक्ट को दोबारा जो दूसरी जोड़ी जो है वही करने जा रहे हैं, और मुझे पहले परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नजर नहीं आई थी, और आप दोनों के परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नजर नहीं आई। सो इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस। आई विल गिव यू 9। ये तो जाहिर है कि कंपैरिजन तो होंगे ही, क्योंकि ये कंपैरेटिव एक्सरसाइज है आज के एपिसोड में, बहुत मुश्किल है जज करना। कीपिंग दैट इन माइंड, आई फेल्ट कि काम्या और राजीव का एक एज था जो आपने नहीं पकड़ा, तो मुझे इस परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी लगी पंचेस की। सो आई विल गिव यू 8 पॉइंट्स। ओवरऑल यू वर 19 इफ दे वर 20, बट स्टिल नॉट बैड एट ऑल। सो आई विल गिव यू 9 on this one also. 9 points. Thank you. Juhi and DIP. Thank you. जहां हमारी जोड़ियां अपने नए अंदाज में फिर से एक बार रिक्रिएट कर रही हैं वही फेमस परफॉर्मेंसेस। पर आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए नई कॉमेडी भी हम लाए हैं, लेकिन वही पुरानी दुकान से। प्लीज वेलकम शाने शकील। हेलो, हाँ जी, जापान से फोन है, कराए बात कराए। बड़ा ही कुत्ते का बच्चा है भाई तू। जापान जाके भी यही पूछ रहा टाइम क्या हुआ है। अबे तू है कौन? खुदा की कसम फोन में थूकूंगा सीधे तेरे मुंह पे आएगा। ये आदमी है कौन? सुबह से मुझसे पूछा टाइम क्या। अरे एकता जी, माशाल्लाह आपके ड्रामों में एक चीज बड़ी अच्छी है, दादियां बड़ी बम्बार्ड होती हैं। कौन सी चक्की का वो खाती हैं आटा? मरी नहीं रही हो तो। दादी की देखो ये लंबे बाल, हमारी यहाँ दादी दांत नहीं, आंखें कमजोर, बड़ा चश्मा, खिचड़ी बाल,
एक तुम्हारी दादियां होती हैं, पोतियों को छोड़कर दादी को देखने को दिल करता है। दादियां बच्चों की बात करें, एक चाइनीज के यहाँ बच्चा हुआ, बीवी ने अपने मियाँ से पूछा इसका क्या नाम रखे, नाक चपटी, कान चपटे, मुंह चपटा। बोले इसका नाम रख दो यंग फांग शांग। मैंने कहा गुड। अल्लाह ने फिर दूसरे साल बेटा दिया, वो भी नाक चपटा, कान चपटा, मुंह चपटा, बिल्कुल ही चपटा चपटा। माँ ने पूछा इसका क्या नाम रखे, बाप ने कहा इसका नाम रखो यंग फांग टोंग। गुड। अगले साल बच्चा जरा अलग किस्म का हो गया, खड़ी नाक, बड़ी बड़ी आँखें, सांवला रंग। बीवी ने पूछा इसका नाम क्या रखे, बोले समथिंग रॉन्ग। शुक्रिया, जोरदार तालियां शानी शकील के लिए। इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट जोड़ी, जिसकी लुटिया तो डूब गई पर अकड़ नहीं गई। फटे हाल जलालुद्दीन अकबर के जलाल को करने हलाल आ रहे हैं उनके लंगोटिया बीरबल। तो बामुलाइजा होशियार, देखने के लिए हो जाइए तैयार कि सुदेश उर्फ बीरबल ने कृष्णा उर्फ अकबर के तारे जमीन पर कैसे उतारे। लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं कि ओरिजिनल एक्ट में ओरिजिनल जोड़ी ने क्या जलवे दिखाए। तो जब ये समय पे आ सकते हैं तो तुम नहीं आ सकते। एक कॉली कर देते बेटा। अच्छा, मुंह मत खुलवा मेरा, महीने में 10 रुपए का छोटा रिचार्ज करा के देता है ये बुड्ढा मेरे को, और जब मिस कॉल मारता हूँ तो पहली घंटे में फोन उठा लेता है। तानसेन को बुलाओ, तानसेन को बुलाओ। तानसेन यहाँ फोकट में नहीं बैठे, तानसेन अपना तानपुरा लेकर के दिलीप सेन समीर सेन के यहाँ काम मांगने गए हैं। सोनी को सब टीवी कर दे, सब टीवी को सोनी, सोनी को सब टीवी कर दे, सब टीवी को सोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों अकबर बीरबल और कोई नहीं। गाड़ी आ गई, गाड़ी गाड़ी आ गई, लोग आ गए, भीख मांगो, चतर बिछाओ चतर। जल्दी 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 आगे ना चले जाए गाड़ी। पैसे कहाँ, पैसे? बीरबल जी, ये पैसे क्यों फेंक रहे हो? साहब जी ये धंधा है, धंधा किया है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हेलो अकबर पाजी, हेलो, ये क्या कर रहे हो? रस्सी जल गई, बल नहीं गया, आकड़ वही है, चेंज करो स्टाइल, ऐसे कोई नहीं देता। हेलो टांगे, हाथ, मुंह, एक्शन। ओ पिज्जा खिलाई दे, कोई बर्गर खिला, अकबर की फरियाद है। बस जमाना बदल गया है। हाँ जी, मूंगफली खाने के दिन आ गए हैं। हाँ जी, लेकिन थैंक गॉड बीरबल आज भी मेरा चमचा है। मैं थप्पड़ मारने, बदतमीज, क्या हुआ साला? गाली नहीं निकालनी जीजा जी, ऐसे समय क्यों नहीं, पहले अपना स्टाइल चेंज करो। हाँ। ऐसे कोई नहीं भीख देता। हाँ। कितनी देर हो गई मांगती, किसी ने भीख दी है? अरे जितने लोग हैं ना वो पीछे जा जाके राजीव निगम को भीख दे रहे हैं। साहब जी सुनो, उनका कोई कसूर नहीं, वो ना शक्ल का हिसाब होता है। अरे मैंने कितनी गंदी शक्ल बनाई है, यही पंगा ना आपने बनाई है उसने पाई है। वापस आ जाओ, कोई फायदा नहीं, वापस आ जाओ। टांगे, हाथ, मुंह, एक्शन। बीरबल। हाँ जी, तुम्हारी गुस्ताखियां बढ़ती ही जा रही है। मैंने क्या किया? पिछली बार मैंने तुम्हें कहा था क्या? कि जोड़ा को बुलाओ। तुमने अमिताभ बच्चन के घर में फोन लगा दिया। जाओ ये हमारे मनोरंजन का इंतजाम करो। मैं वैसे आपके मरने का इंतजाम ना करूं? हाँ, थप्पड़ मारना मैंने। ये डायलॉग मेरा है, मेरा प्रैक्टिकल है। जाओ टान चैन को बुलाओ, टान चैन को बुलाओ, अपना इलाज कराओ।
तानसेन तो वो अपना तानपुरा लेके उसके पास गया समीर सेन और क्या दिलीप सेन के पास काम मांगने है। तुम तो उसको काम देते नहीं ना तनख्वाह देते हो है, ऊपर से दाद देते रहते, दाद दे दे के उसके घर की हालत बगदाद जैसी कर दी है। आपने मनोरंजन करवाना? हाँ। सारी उम्र तानसेन से करवाते रहे, एक बार मेरे से करवा के दे। बहुत अच्छा करता हूँ मैं मनोरंजन। अबे कहाँ तू और कहाँ तानसेन? क्या हुआ? अरे तानसेन की वॉइस में कंट्रोल था। अच्छा। फीलिंग था। फीलिंग था, दोनों चीजें मेरे में है। फीलिंग तो इतनी है, जरा सी कोई बात कर दे मैं फील कर जाता हूँ। सच्ची जैसे आपने मुझे कह दिया बेसुरा मैं थप्पड़ मार देना। कंट्रोल इतना आवाज निकलती नहीं, कई बार गया हूँ कई प्रोग्रामों में। अरे यार छोड़ो ये सब, कहाँ ना तानसेन को बुलाओ। तानसेन को? सर जी एक बात हूँ, थोड़ा सा खर्चा करो ना अगर तो। तानसेन तो क्या सुष्मिता सेन, वो मुन मुन सेन, क्या राखी सावंत सेन को बुला लो। राखी सावंत सेन? नहीं सेन नहीं, सहन, सबको सहन कर लेती है। अच्छा, मतलब लोग करते ना पीएचडी वगैरह तो सहन कर लेती है। अच्छा एक काम करो यार तुम। हाँ जी। तुम डायरेक्ट अनारकली को बुलाओ, हम मुजरा देखेंगे। ले मुजरा देखो, मुजरा देखेंगे। वो अनारकली ऐसे नहीं आती, उसको देखने के लिए, उसका डांस देखने के लिए लाखों रुपए ऐसे लुटाने पड़ते हैं। अब वो तरन्नुम बन चुकी है, उसकी मम्मी ने दुबई भेज दिया उसको शेखों के पास मनोरंजन करवाने के लिए। और अगर अनारकली दुबई चली गई है तो हम मनोरंजन किससे करवाएंगे? गे इतना जोर से ना बोला करो, वो शकील के ना कान खड़े हुए थे गे सुनते ही। अरे क्या बकवास करते रहते हो तुम, बहुत मारूंगा मैं तुम्हें। जब देखो बकवास करते हो, पिछले आज तक तुमने तरक्की नहीं की, तुम्हें कोई भीख भी नहीं देता है। अच्छा तो तुमने क्या तरक्की कर ली हो? अरे मैंने तरक्की नहीं की तो क्या हुआ? हाँ। मेरे दो बच्चों ने तो तरक्की कर ली है, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। बच्चे? बच्चे कौन हैं? मेरे दो सगे बेटे। कौन? आकाशदीप सैगल और परवेश सिद्दकी। अरे बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए, आजकल बद्रीनाथ में भीख मांगते हैं। अच्छा अच्छा, तभी मैं जब भी उधर से निकलता हूँ ना तो वहां से आवाज वही आती होती है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। वैसे जब राजेश और राजीव ने ये परफॉर्मेंस की थी तो हमारे जजेस ने उन्हें 27 मार्क्स दिए थे। आप मजाल है जजेस की, उसे एक मार्क कम देकर दिखाएं। शेखर ओहो, हजारों साल के बाद मैं इतना हंसा हूं, बहुत हंसा हूं और एंट्री के साथ ही हंसा हूं। एंड आई वुड लाइक टू गिव यू अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दैट। थैंक यू, यू डिजर्व दैट। एक हुए हुए शो को दोबारा करना और उसको इस बुलंदी तक ले जाना वाकई काबिले तारीफ। आई विल गिव यू अ 10। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके कई जोक्स नए थे जो पिछले एपिसोड में नहीं थे, और एक दो जोक्स ऐसे थे आपके जो पिछले एपिसोड में जो उन्होंने ज़्यादा अच्छी तरह बोले थे। पहले का और अभी के में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, मैं आपको उतने ही मार्क्स दूंगा जो मैंने उन लोगों को दिए थे। उन लोगों को मैंने 8 दिए थे, आपको भी 8 दूंगा। 8 पॉइंट। बेशर्मो, भीख मंगो, तुमने इतना बढ़िया किया, इतना बेहतर किया, यू आर बोथ माइंड ब्लोइंग। और मैं कह सकती हूँ कि मुझे उससे भी ज़्यादा ये पसंद आया। मैं 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा दूंगी। 10 पॉइंट। बारी है हमारे अगले रीमेक की, जहाँ बॉलीवुड के दो स्ट्रगलर्स का हुआ मिलन लोकल ट्रेन में। एक थे बालाजी के कास्टिंग डायरेक्टर राजेश, तो दूजा स्ट्रगलिंग एक्टर राजीव। अब लोकल लोकल खेलते खेलते इनके बीच क्या हुआ इज वर्थ वॉचिंग। प्लीज वेलकम राजेश एंड राजीव निगम। लेकिन उसके पहले चलिए देखते हैं कि ओरिजिनल एक्ट में ओरिजिनल जोड़ी ने क्या जलवे दिखाए। क्या है? आज उसकी शादी है? मर गया। दूल्हे राजा अभी तो उठे नहीं, तो ऊपर बर्फ लगा दो फिर। अरे तो उठा उनको। पहचाना मेरे को? कौन है? नहीं पहचाना है। एक मिनट जरा। वाह सर, एक मिनट। अब छोटा मोटा रोल दे दो अपनी फिल्म में, चाहे हीरो का ही दे दो। बैग उधर। अरे बम नहीं है उसमें, ये बैग उधर। छोड़ छोड़ ये पॉकेट। ओ भाई साहब। हेलो।
हेलो, जरा अपना सर मेरे कंधे से हटाएंगे? क्यों, उतरना है क्या? नहीं तो फिर सोने देना। अरे रुक, ये क्या भाई साहब, ये कैसी कैसी रिंग टोन बजा रहे हैं कहां कहां से? भाई साहब मेरा नहीं, आपका बजा है। हाँ मेरा बजा अभी। हेलो, ये भाई आपका भी कुछ बज रहा है? हाँ वाइब्रेशन मोड पे, मजे लेने दे। अरे मजे ले रहा, मजे खुद ले, सबको क्यों बांट रहा पूरी ट्रेन में? हेलो हेलो, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अच्छा आज शादी है? भर गया। ओहो, लड़की पे दिल आ गया था? दिल के दौरा पड़ गया था? अरे बैंड बाजा आ गया क्या? अर्शी कफल ले, हनीमून के लिए कहां जा रहे हैं? अब नासिक ले जाओ या हरिद्वार, क्या फर्क पड़ता है भाई? पंडित बुक हो गया? पंडित भाई साहब, कोई आपका भी मर गया? फोन पे बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अरे थप्पड़ मारूंगा, दो कौड़ी की शकल लेकर के घूम रहा है इडियट नॉनसेंस। किससे बात कर रहे हो? तमीज से बात करो। अरे आपको नहीं, मैं इसको फोन पे डांट रहा हूँ। भाई साहब, हाँ कहाँ जा रहे हो आप? कहीं भी जाओ तुम्हें मतलब? नहीं मतलब ऐसा कि कुछ लोग समझते नहीं बात को ना, समझाना पड़ता है। दो मिनट के लिए समझ लो, मैं तुम्हारा जीत जाऊं। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? अरे मिसाल दे रहा हूँ, आप तो नाराज हो रहे हैं फोकट में। मिसाल दे रहा है, मिसाइल दे रहा है। अच्छा समझो, तुम एक नई नई गाड़ी में एक मस्त नई नई चिकनी लड़की के साथ में खंडाला जा रहे हो। वो गाड़ी खंडाला घाट से नीचे गिर जाती है। मतलब मिसाल दे रहा हूँ यार, अपने ऊपर देना ऐसी मिसाल। अच्छा चलो ठीक है, अपने ऊपर दे रहा हूँ। वो सलमान खान का एक प्रोग्राम आता है ना, 10 का दम, मैं उसमें गया और अपन 10 करोड़ रुपए जीत गए। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और तू 10 करोड़ जीत गया। चलो अच्छा एक काम करता हूँ, मैं उसमें से 5 करोड़ तेरे को दिया मैं। हाँ ये ईमानदारी वाली बात हुई। अब 5 करोड़ लेते ही तेरे हार्ट में होल हो गया। तेरी डंडा पकड़, डंडा पकड़ अपना यार। बकवास कर रहा कर रहा था, एक तो करोड़ों रुपए की मिसाल दे रहा हूँ, फोकट की बात करता है यार तू। ओ भाई साहब हेलो, फर्स्ट क्लास का पैसेंजर हूँ, ट्रेन मिस हो रही थी इसलिए इस कंपार्टमेंट में आया। यार फर्स्ट क्लास में तो मैं भी घूम सकता हूँ। हाँ तो घूमो, उधर मेरी फोटो लगी है, नीचे लिखा है जैसे चढ़े तुरंत उतार दो। हेलो, हाँ क्या जूही परमार आज भी लेट आई? मैं तो कहता हूँ निकाल दो। अरे तुम्हें निकालने की क्या जरूरत है, उसके लिए तो VIP काफी है ना यार। भाई फोन पे बात कर रहा हूँ, आप चुप रहेंगे? हाँ नहीं, उनसे कहना कि कास्टिंग डायरेक्टर राजेश से बात कर लें। हाँ ठीक भाई साहब, आप कास्टिंग डायरेक्टर राजेश हो? हाँ। एक मिनट जरा डंडा पकड़ना। हेलो बड़े अच्छे आदमी भाई साहब। हाँ जी, कोई छोटा मोटा रोल मुझे भी दो ना। छोटा मोटा? अच्छा सुन, हाँ एक गाने में क्राउड में रोल है, करेगा खड़े हो रहने का? हाँ चलेगा, जब शाहरुख खान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। शाहरुख खान ने क्राउड में कौन सा रोल किया है? वो ओम शांति ओम देखी है ना? हाँ, उसके एक गाने में 30-40 फिल्म स्टार के बीच में क्राउड में ही तो खड़ा है वो। मुझे पता है आप रोल मुझे जरूर दोगे। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या नहीं, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है। हाँ बहुत चिकने हो आप, बहुत हैंडसम हो आप। हाँ तो आप मुझे रोल जरूर दोगे। ला 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 ला। स्टेशन आ गया तो फिर मैं अपना रोल पक्का समझूं? जिंदगी में रोल ही सब कुछ नहीं होता है। ला 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 ला। तो भाई जब कृष्णा और सुदेश ने ये एक्ट किया था तो जजेस ने उन्हें दिए थे 26 मार्क्स। देखते हैं उनको आपकी ये परफॉर्मेंस कितनी अच्छी लगी। शेखर, हैप्पी एंड सुना था, गे एंड पहली बार देखा। जाते जाते वो एक जो अलग ट्विस्ट इन द टेल है वो मुझे बहुत पसंद आया कि एक अलग आप रवैया लेके आए और कैरेक्टर्स अलग हो गए। बट वो मज़ा, उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे पहली दफ़ा इनका इनके एक्ट को देखने में आया था।
I would give you an 8. 8 points. Thank you. Quite close. इस बार मैं शेखर से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ. आपने जो एक्स्ट्रा पंचेज लगाए हैं इस एक्ट में वो काबिले तारीफ हैं. आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर मार्क. 10 पॉइंट. तो फर्क इतना था कि वो फास्ट ट्रेन में चढ़े थे और आप जरा स्लो लोकल में चढ़े थे, इसलिए मैं आपको उनसे 1 मार्क कम दूंगा. मैंने उनको दिया था शायद 8, मैं आपको दूंगा 7. 7 पॉइंट. थैंक यू राजेश. थैंक यू राजीव. रीमेक की इस दौड़ में कौन जीतेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. पर अब आने वाले हैं वो शख्स जिनके लिए बेहतर की कोई सीमा नहीं. वो बेहतरी में भी किसी को जलील कर देते हैं. लेकर आ रहे हैं कॉमेडी की शान पट्टी, शाने शकील. कौन? बांग्लादेश से फूफा बात करेंगे. कराइए. अस्सलाम वालेकुम फुफुजन. बहुत ही कुत्ते का बच्चा है भाई तू. वही है पूछ रहा टाइम क्या हुआ. तो बता दीजिए ना उसे क्या टाइम हुआ है. तेरी दवाई का टाइम हो गया. पी के सो जा मनहूस के बच्चे. वीआईपी की बात करते हैं. वीआईपी आपके फेवरेट है ना. फेवरेट. वीआईपी के घर डाकू आ गए. लूट के चले गए. वीआईपी को दूसरे दिन पता लगा डाकू वहां रहते हैं. ये घर से निकल गया उनके घर जाने के लिए. किसी ने कहा ए दुश्मन के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं. 2 किलो आम लेके चला गया. राजीव निगम. ये ट्रेन में आ रहा था अभी कानपुर से. वहाँ स्टेशन पर अंडे बेच रहा था. गर्म अंडे गर्म अंडे गर्म अंडे. अंडे वाले से कह रहा है गर्म है. कह रहा है लेना. बोले नहीं नहीं सिगरेट जला के दे दे यार. तुम्हारी बात कर ले. अरे शौक से टीआरपी बढ़वाएगी अपनी. आ रही है हमारी अगली जोड़ी. शादी से पहले बीवी के प्रोफेशन को जरूर जान लीजिए वरना यही होता है जो इन महाशय के साथ हुआ. 3-3 शादियों के बाद भी रह गई इनकी सुहागरात अधूरी. क्यों? सुना रहे हैं सुहागरात के साइड इफेक्ट्स दूल्हा सलीम अपनी पेटी पैक दुल्हन सुचेता को. उससे पहले देखते हैं कि ओरिजिनल एक्ट कैसा रहा. जेड़ा फोन लाइफ के बारे में जानने के लिए कृपया 1 दबाए. नए कनेक्शन के लिए कृपया 2 दबाए. प्रीपेड कनेक्शन के लिए कृपया 3 दबाए. प्लान चेंज करने के लिए कृपया. मेरी माँ. वैसे तो आपने आज तक बहुत सारे रियलिटी शो देखे होंगे लेकिन जैसी परफॉर्मेंस आज आप देखेंगे वैसी परफॉर्मेंस आपने आज तक नहीं देखी होगी. देखिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त है और आपका समय शुरू होता है अब. मेरी सारी जिंदगी प्यासी गुजर गई मगर आज के बाद मैं प्यासा नहीं रहूंगा. ये मेरी पहली शादी तो नहीं मगर पहले की 2 शादियों में मैं सुहागरात के सुख से महरूम रह गया था. मेरी पहली बीवी हवा में उड़ने वाली एक एरोस्टिस थी. उस रात को जनू कितनी खूबसूरत रात है. आओ ना प्यार की शुरुआत करें. सेट एयरवेज की उड़ान संख्या 101 में आपका स्वागत है. मैं तुम्हारा शौहर हूँ पैसेंजर नहीं. आओ इस प्यार की उड़ान को शुरू करें. ये उड़ान मुंबई से दिल्ली जाएगी. कृपया अपनी कुर्सी पर बैठिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. अरे क्या कह रही हो जान. प्यार की बात नहीं करोगी जानू तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा. मैं नशा करूंगा शराब पीऊंगा. भारत सरकार नियम अनुसार विमान में धूम्रपान करना एवं मदिरा पीना निषेध है. तो मैं बाहर जाके ठर्रा पीऊंगा. मैं जा रहा हूँ. आशा है आपका अनुभव सुखद रहा होगा और आप हमें दोबारा सेवा करने का मौका जरूर देंगे. जरूर दूंगा जरूर दूंगा मगर तलाक के पेपर पर साइन करने के लिए. खुदा हाफिज. नमस्कार. और फिर मैं प्यासा रह गया लेकिन पहली तलाक के बाद मैंने कर ली दूसरी शादी और इस बार मेरी शादी हुई एक नर्स से. जानू इजाजत हो तो तुम्हारा घूंघट उठा लूं. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या मेरे बाद किसी और ने भी घूंघट उठाना है. अपॉइंटमेंट लिया.
अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है, जान सबको पता है मेरी ही बारी है। आत दिखाओ, आत आपकी बारी। नब्ज तो ठीक है, बीपी चेक कराया? बीपी तो मेरा पिछली बारी से हाई है, आज सेट होने की उम्मीद है। क्या तकलीफ है? तकलीफ वही है जो रांझे को थी, फरहाद को थी, मजनू को थी और इमरान हाशमी को है। बहुत कुजली है। ये बीमारी कब से है? जब से जवान हूँ तब से। इसका इलाज कराया? प्राइवेट तो बहुत दिखाया, सरकारी हॉस्पिटल में आ जाया हूँ। मुँह खोलो। बारी आई। तुम अपना भी तो खोलो। तुम्हारी जबान खराब है। सही कह रही हो, जबान खराब है, जल्दी कुछ करो वरना तल्लाक का लफ्ज जल्दी निकल जाता है। ऐसा क्या? तो मैं एक काम करती, मैं तुमको इंजेक्शन लगाऊंगी। क्या कह रही हो बेगम? बेगम तेरी अम्मा, सिस्टर बोलो। ओ सिस्टर, मैं हूँ तेरा मिस्टर, मैं तप रहा हूँ, कुछ कर। आंख बंद कर। और इस तरह मैं फिर प्यासा रह गया। मैंने कर ली तीसरी शादी और मुझे पूरा यकीन है कि आज मैं अपनी सुहाग रात मनाने में कामयाब रहूँगा, क्योंकि मेरी ये वाली बीवी खूबसूरत है, काबिल है, ज़हीन है, क्योंकि वो एक टेलीविज़न शो की होस्ट है। जानू किधर बांट रही हो? इधर पेश है हमारा अगला कंटेस्टेंट। अगला यानी मेरे से पहले भी कोई परफॉर्म करके गया? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। अभी तालियां ना बजवा, पता नहीं मेरी परफॉर्मेंस तालियों वाली हो या नहीं। देखो तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय होता है, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। जानू जानू देखो, हमारी तुम्हारी शादी है, मैं तुम्हें छोटा सा मकान दिलाऊंगा, हमारे बच्चे होंगे, तुम बनोगी ना मेरे बच्चों की माँ। इसका फैसला तो पब्लिक वोटिंग से होगा। अबे बच्चों में पब्लिक का क्या कंट्रीब्यूशन? 3, 2, 1 आपका समय खत्म हुआ। आइए देखते हैं जजेस ने तुम्हें कितने मार्क्स दिए हैं। हमने परफॉर्म कहाँ किया जो मार्क्स थे? You bad, bad girl. अब बताइए इन्हें कितने पॉइंट्स देंगी आप? भाई सुचेता एंड सलीम, दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस। थैंक यू। इसके 2 reasons हैं। एक है सुचेता, 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 यू। How sweet, thank you. You have done the nurse so well. So sweet, thank you. और सलीम, आई हैव टू कन्फेस, मुझे अभी तक आप पर इतना एतबार नहीं था आपके टैलेंट पर, लेकिन इस परफॉर्मेंस में आपने बहुत खूब किया है। वेरी गुड, आई कैन ओनली गिव यू अ 10. 10 पॉइंट्स, माय गॉड, दैट्स अ होल 10. और थैंक यू, ये 10 नंबर मुझे नहीं बल्कि क्रिएटिव टीम को है जिन्होंने ये चेंज मुझे देने की कोशिश की। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू, थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सदियों से क्लोरोफॉर्म में थे, आज फॉर्म में आए। शुरुआत जब आप लोगों की हुई और कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जब पासा पलटा आपने और नर्स का रूप जब धारण किया तो वो बिल्कुल एक नरसिम्हा का अवतार था वो। चूंकि आप इतने जद्दोजहद और इतने संघर्ष करने के बाद इतना ऊपर आए, इसलिए आप 10 के हकदार हैं। Oh my God, thank you. मेरे ख्याल से अब आप लोगों की पकड़ में, खास करके आपकी पकड़ में सलीम, अब आ गई है कि क्या हम चाहते हैं, ये जो पूरा फॉर्मेट है इस कॉमेडी सर्कस का, वो क्या चाहता है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं भी आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं आपको के साथ 6 दूंगा, नहीं सॉरी 10 दूंगा। थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स श्रुति। एक और नया रीमेक लेकर आ रही है हमारी अगली जोड़ी। फिल्मों के गानों में तो यूं हजारों डांसर्स नाचती हैं, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि पीछे उनमें क्या गॉसिप्स चलती हैं? लेकर आ रही हैं ऐसी ही 2 गॉसिप्स की दुकान। प्लीज वेलकम जूनियर डांसर जोड़ी राजीव एंड काम्या। लेकिन उससे पहले देखते हैं ओरिजिनल परफॉर्मेंस कैसी रही।
संजू ने मान्यता से शादी का ही मनाई? मैं सेम क्वेश्चन पूछी उससे कि तुम मान्यता में ऐसा क्या देखा, तू ऐसा बोलते है, अरे बाबा मान्यता बम मेरे बम ऐसा करके बोला मेरे को। तू ना बहुत शानी बनती है दीदी। ये तू ऐसा हाथ क्या लगा की बात करती मेरे से, तमीज से बात करना, मैं जूनी कोई नवी नहीं है लाइन में, ऐसा कैसे बात करती तू? दीदी मुझे भी किसी बात का घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। तो फिर ऐसा हाथ लगाएगी क्या बात करती मेरे से तू? तू कितना ऊंचा बोल रही है, मैंने तो सिर्फ तेरे को ऐसे हाथ लगाया। चिंगी उंगली हटा ले, वो आकाशदीप साइकिल ने उंगली किया था उसका हालत देखा ना क्या हुआ। ये एंटरटेन करना, तेरी चुगली चपाटी सब खत्म हो गई क्या? नहीं बहन जी, चुगली तो मुझे बड़ी जोर से आई है। अर्चना बहन जी के बारे में चुगली करूं? अरे पूछती क्या है, करना है। अर्चना बहन जी जो हंसती है ना, आजकल बिकना शुरू हो गई इनकी हंसी। कब बोलती रे? ऑटो में बैठी, ऑटो वाला कहता 70 रुपए, कहती 50 दूंगी, कहता कोई बात नहीं बहन जी बैठ जाओ, 20 रुपए का हंस के दिखा देना। ये चिकना चिकना है ना ये। ओ, आजकल मॉडलिंग करता है। किसकी रे? गुप्त दवाखाने की। क्या बोलती है? हाँ, ऐसे फोटो लगी होती, नीचे लिखा होता है जवानी फिर से हासिल करें सिर्फ 7 दिनों में। ये नहीं, ये गोलू बोलू। ये भी मॉडलिंग करता है पर सिर्फ खाने पीने की। हाँ दिखते हैं दिखते हैं। हाँ देख लो, खा खा के कितना बड़ा मुंह कर लिया। इसके बारे में कुछ बोलना। किसके बारे में? ये रे। नाम ले नाम। अरे नाम नहीं लेने का रे, पाप चढ़ जाएगा, तू समझ ना। ओहो, शकील के बारे में करनी है। आ, वही वही। जब ब्रेक होती है ना तो वैनिटी वैन में बैठ के ना चोरी चोरी ग्रह शोभा पड़ता है। क्या बोलती है? हाँ, और पेज भी पता कौन सा पड़ता है, कहा से कहूं, हाय मैं शर्म से लाल हूं, व्यक्तिगत समस्याएं। हाँ 3-3 किलोमीटर पैदल चल के जाता है। हाँ, एक्सरसाइज करने का होगा ना। नहीं नहीं, गंदी फिल्मों के पोस्टर देखने। इसमें मेरे को पहले से ही शक था। हाँ? अरे जो ना अपने वाले को पंचायत करने का, तू अपने बारे में कुछ बता ना। मैं ना फिल्म लाइन में आने से पहले पहले ना बहन जी सीधा ना ऑफिस लाइन में थी, पता मैंने ना वहां पर बॉस को पटा लिया। चलो बॉस को पटा लिया, चलो क्या शादी बनाया कि नहीं? नहीं नहीं, एन शादी की रात पे। 1 2 3 4 क्या हुआ शादी की रात? क्या हुआ एन शादी की रात पे? उसकी बीवी 3-3 बच्चे लेके आ गई। तेरी। मेरा घर बर्बाद करके रख दिया। बताओ भला, औरत ही औरत की दुश्मन है। सही बोली रे तू। हाँ। अभी मेरे साथ पिछले दिनों बहुत सॉलिड झोल हो गया रे। क्या हुआ बहन जी? वो है ना बंटी चिकना। हाय मेरा दिल करता मैं उसे ठा के ले जाऊं। ये मेरे साथ पॉलिटिक्स किया वो। हो। प्यार में बदनाम किया आप उनको। वहाँ मैं आउटडोर में गई ली थी। हाँ। वहाँ सबके सामने दो दो बार। 1 2 3 4 बहन जी दो दो बार क्या किया? झगड़ा किया। ओए होए होए सबके सामने। अच्छा 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 अच्छा। अभी अपुन नहीं है तो क्या हो गया? हाँ। अपुन की कोई इज्जत नहीं है क्या? बहन जी इज्जत की खातिर मैंने मलका शराफत को छोड़ दिया। पहले मैं ना उसका पर्सनल मेकअप करती थी, मैंने कह दिया कि मैंने कहा भी अगर तुमने हाशमी पाजी के साथ फिल्में करनी है ना तो मैंने तेरा मेकअप ही नहीं करना। मैं 4-4 बार लिपस्टिक लगाती थी, वो आके चाड़ जाता था। एक बात बताऊं। 1 2 3 4 तेरे को पता है करीना ने शाहिद को क्यों छोड़ा? नहीं रे। छोटा है 2 साल। अच्छा। हाँ। तेरे को सब मालूम है रे। चालू है तू, बहुत चालू है, बहुत चालू है। वो एक मिनट, मैं तुझे पेंजी कही जा रही हूँ, तू मुझे चालू चालू कही जा रही है। मजाक में बोला रे, भड़कती कहीं को है। मजाक है, तू मुझे धक्के मार रही है। धक्का किधर मारा, खाली ऐसा किया। ओए मैं तुझे बताऊं मैं। 1 2 3 4 मैं तुझे बताऊं, मेरे साथ पंगे मत लिया कर, मैं बड़ी मनहूस औरत हूं। भगवान करे तू स्कर्ट पहन के आए, हवा भी चले,
स्कर्ट भी उड़े पर देखने के लिए कोई मर्द ना हो। नास्पिटी हाँ? भगवान करे ना तू कभी विधवाच नहीं होए। हो तू एर को एक मर्द के साथ पूरी जिंदगी बिटानी पड़े। एक ही मर्द के साथ कितनी गंदी गंदी बातें करती है तू। दर फटे मुझ तेरा। तू 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 सुहाग रात के दिन तेरा हाथ बिजली की सॉकेट में आ जाए, तू हस्बैंड पे गिरे उसकी याददाश्त चली जाए, वो तुझे भैन भैन कह दे, तेरे अपने बच्चे तुझे पुआ पुआ कह दे, तेरी लड़ाई अर्चना पूरन सिंह के साथ हो जाए, मार मार ठाके तेरा मुंह सजा दे। हाँ मैं हाय रब्बा, या इसको उठा ले या इसके हस्बैंड को विधवा कर दे। अब बोल। बोलो। हाँ तेरे मुंह शकील लग जाए। हाय मैं मर गई। ये उठे। जजेस ने राजेश और राजीव को इस एक्ट के लिए दिए थे 26 मार्क्स और कहा था कि बहुत ही छिछोरा एक्ट था। तो देखते हैं कि अर्चना आप क्या कहेंगी। मैं ओपनली ये कहूँगी कि राजीव और राजेश ने इसे बहुत अच्छा किया था, लेकिन आपने उसके 4 चांद क्या 10 चांद क्या पता नहीं क्या क्या लगा दिया, मिर्ची मसाला गॉसिप परफॉर्मेंस सब कुछ आपने इसमें लगाकर इसको और भी बेहतरीन कर दिया इस एक्ट को। थैंक यू एब्सोल्युटली स्टनिंग स्टनिंग माइंड ब्लोइंग। मैं नहीं समझ पा रहा था कि इस छिछोरेपन को और आगे ले जाया जा सकता है, हालांकि वो छिछोरा नहीं थे, वो तो छोरा छोरा थे, यहाँ एक छी है एक छोरा है। ये सोच पाना कि उसको आप लोग आगे ले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुमकिन नहीं है, पर ऐसा हुआ, आपने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। आई विल आल्सो गिव यू अ 10। भाई मैं तो नुक्स निकालने की कोशिश में था लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा, इसलिए मैं भी आपको 10 दूंगा। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस 30 on 30। आ रही है हमारी अगली जोड़ी ये ब्लॉकबस्टर रीमेक लेकर। दिमाग खराब कर दिया है इस थकेले कवाल ने, पर क्या कहूं उससे भी ज्यादा पका दिया है इस न्यूज वाली के सवाल ने। प्लीज वेलकम कवाल शैलेश, जिनका इंटरव्यू ले रही है रिपोर्टर अपरा। लेकिन उससे पहले देखते हैं ओरिजिनल एक्ट कैसा रहा। तेरी सूरत तेरी तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। अब्बा शरीफ आदमी होंगे। मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। क्या लेने आई हैं? देखिए मैं आपके ऊपर कुछ लिखना चाहती हूँ। अच्छा टैटू वाली। एनीवे आपका फेवरेट कव्वाल कौन है? बप्पी लहरी। आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डिस्को, आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को। बाकी सब छोड़िए, अब अंत में एक मतलब अच्छी सी कव्वाली सुना दीजिए। ये ऐसी हलक से आवाज निकाल रही है, कव्वाली नहीं कुछ और सुना दूंगा मैं। बजा लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लोग आए, बहुत अच्छी महफिल होगी। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो भाई? कव्वाली इधर चल रही है। कितना अच्छा, देखो एक हंसता हुआ फूल दो पानी डालते माली। बड़ी जम के होगी कव्वाली आज। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। तू है इतना काला। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। अबे तेरी, अबे मुस्कुरा दे तेरी। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत। बाबा मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मैं आदम को इंसान बना सकता हूँ, ये है मेरा वादा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और कितना अंदर आएगी भाई। मैं क्या कह रही थी, आप ये क्या गा रहे थे? तेरी सूरत। अरे मैं सूरत की हूँ, आपको कैसे मालूम पड़ा? कौन कौन आ जाते? अरे मैं गा रहा था कि तेरी सूरत तेरी सूरत। अब सूरत से आगे तो बढ़ो, अब तक तो मैं अहमदाबाद पहुंच गई होती। आप कौन है, बड़ी बदतमीज है भाई है? वो आप लोग उर्दू में कहते हो ना, वैसे मैं आपको कहती हूँ आदाब। साइज देख ले कौन किसको दाब सकता है। बोलिए बोलिए। अभी हाँ। आप मैं ना आपके ऊपर कुछ लिखने आई हूँ।
मैं क्या सुलभ शौचालय की दीवार हूँ मुझ पर लिखेगी? मैं ना न्यूज रिपोर्टर हूँ। पान खाओगी? नहीं। खैर तुम तो रिपोर्टर हो, जान खाओगी? बोलो। हाँ। हाँ। बोलो बोलो। ये जो कव्वाली गाते हैं हाँ। उसमें आप गजल बोलते हैं? नहीं, डिस्को डांडिया करता हूँ। अरे मेरी माँ गजल ही गाई जाती है कव्वाली में। अच्छा अच्छा, लेकिन वो जो गजल होती है वो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? बताते हैं इंस्पिरेशन। अच्छा बताइए भैया, देखो आज बड़ी इज्जत का सवाल है। इरशाद, थोड़ी देर बाद हाँ? के सामने लाल परी हो तो गजल होती है, सामने लाल परी हो तो गजल होती है, जुल्फ गालों पे पड़ी हो तो गजल होती है, जुल्फ गालों पे पड़ी हो तो गजल होती है, रात दिन ठाट से इनकम करें लेकिन टैक्स भरने की घड़ी हो तो गजल होती है। लेकिन ऐसा है कि वैसे आप मुझे कहना पड़ेगा, आपका गला है ना बहुत पक्का है। सीमेंट खाता हूँ आधा किलो मिट्टी के साथ। अच्छा, आपका कोई ऐसा कव्वाल है जो एकदम आपको पसंद हो? हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया कब से कव्वाल बन गया? तो गाना गा रहा है क्या वो? तो नाक से क्या कर रहा है देखा नहीं तुमने? अरे मेरी धुने तो चुरा रहे फिल्मों में लोग 81 से। कौन सी चुराई? वो तुमने सुनी? तू इस तरह से मेरी जिंदगी। मालूम है मुझे, तू इस तरह से मेरी जिंदगी के में शामिल है। जिंदगी में नुक्ता मिल जाए तो शामिल कर लेना कभी। और बोलो, और आपकी कोई ऐसी कव्वाली है जो बहुत मशहूर हुई हो? मेरे कव्वालियों के प्रोग्राम में बहुत चीजें हो जाती है। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, बड़ा गजब हो गई। हाँ। चमाट पड़े मेरे को बहुत जोरदार। क्यों? मैंने कव्वाली गा ली थी, मुझे पनगढ़ पे नंदलाल छेड़ गए हो रे, तो उसमें चमाट क्यों पड़ गया? ऑर्गेनाइजर के बाप का नाम नंदलाल था साला, इतना मारा। दुखी हो गया मैं उस दिन से। तब तो चमाट ही पड़ेगी। पड़ेगी ना, लेकिन अब एक कव्वाली सुन लो जाते जाते। क्या वो देखे यहाँ है तीर कितने तरकश में, तरकश में। सॉरी, कॉमेडी सर्कस में, कॉमेडी सर्कस में खूब हंसाए ठाके लगाए, खूब हंसाए ठाके लगाए, हंसे तेरी नस नस, हंस बराबर हंस ओजादी। राजीव को देखो तो घुट घुट के मरता है, कामया के सेट पे इंतजार करता है, श्रुति को देखो तो पागल सी लगती है, कील को भी इन दिनों शकील कहने लगती है, इतनी बार देखो इसको लड़की ये बनता है, नाम भी इन दिनों मिसेज निगम ही लिखता है, मुझको तो पार्टनर दिया है कितना सादा, पार्ट थोड़ा कम है नर है ये ज्यादा। तो जजेस, जब रहमान और चित्राशी ने ये एक्ट किया था तो आपने उन्हें दिए थे 29 पॉइंट्स। देखते हैं कि अब शैलेश और अपरा को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। शैलेश और अपरा, इतना आप लोग एंजॉय कर रहे थे कि एंजॉय करते करते किधर बह गए पता भी नहीं चला, और हम लोग भी एंजॉय करते करते कितना क्लैप कर गए हमको भी नहीं पता चला। जो बातें आपने कही वो बहुत सटीक थी, शुक्रिया, बहुत इंटेलिजेंट थी, और ख़ास तौर पे वो लाइन जो आपने ज़िंदगी और शामिल वाली की, जो हमारी ज़िंदगी में शामिल है, कभी ज़िंदगी में नुक्ता मिल जाए तो उसे शामिल ज़रूर कर लीजिएगा। यू डिज़र्व, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वी नीड सच ओरिजिनल लाइंस, थैंक यू। यू नो, मैं अर्चना को कह रहा था कि एक ऐसा शो है, इतनी मेहनत मशक्कत के साथ इतने टैलेंटेड लोग एक छत के नीचे लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, आसान नहीं होता। अगर इस शो को मुझे पैसे देकर टिकट खरीद के भी देखना पड़े तो मैं करूँगा। क्या बात है, मैं डेफिनेटली आप लोग, थैंक यू सर। इसमें एक क्लेवरनेस थी इस एक्ट में, आप और आपने इतना मजा लिया है शैलेश, आई विल गिव यू टेन, थैंक यू वेरी मच मैम। ये जो आपने एक्ट किया मुझे म्यूजिकल शो का मजा आ गया, और ये जो भोपाली और ये गुजराती बेन, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन थे ना वो मेरे का तो इट वाज माइंड ब्लोइंग। अनदर 30 on 30, कांग्रेचुलेशंस अपरा, कांग्रेचुलेशंस शैलेश। कॉमेडी गिरी हुई खत्म,
और आ गई फिर से एक बार वही सबसे मुश्किल घड़ी। कौन आज इस सर्कस को छोड़कर चला जाएगा? तो जजेस पॉइंट्स और ऑडियंस वोट्स के टैली के हिसाब से आइए जानते हैं कौन सी एक सेकंड श्रुति, ये जिस घड़ी की बात आप कर रही हैं उस घड़ी को हम थोड़ा बदलना चाहते हैं। आप लोग कृपया अपनी अपनी घड़ियाँ जो हैं वो बदल लें, क्योंकि इस बार हमने एक अलग किस्म का निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कठिन परीक्षा की घड़ी थी इन तमाम कंटेस्टेंट्स के लिए, परफॉर्मर्स के लिए, कि पहली दफ़ा एक शो में हो रहा है, ऐसी उल्टा पलटी हुई है, एक्ट स्वॉपिंग हुई है, जहाँ एक एक्ट को दूसरी जोड़ियाँ जो हैं वो परफॉर्म करने वाले, विच इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फॉलो। लेकिन इन सारे लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, सब लोगों ने मिलकर, वी आर नॉट गोइंग टू लेट एनी वन ऑफ देम गो। इतने लेवल ऑफ एक्सेलेंस पर परफॉर्म करने के बाद नॉट इवन अ सिंगल परसेंट चांस होना चाहिए कि एक भी जोड़ी जाए। तो हम तीनों ने ये यूनानिमसली डिसाइड किया है कि 6 में से 6 जोड़ियां अगले एपिसोड तक डेफिनेटली जाएंगी। हम लोग गाते हैं कि हमें तो लूट लिया मिलके इन परफॉर्मर्स ने, काले काले वीआईपी ने, गोरी गोरी कामिया ने। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस जोड़िया। वेल हमारे आज के रीमेक्स तो हो गए खत्म, पर कॉमेडी सर्कस से कॉमेडी कभी खत्म नहीं होगी। तो आइए बुलाते हैं फिर अपनी शान पट्टी करने के लिए शाने शकील को। अबे यार तेरे पास कितना टाइम है भाई, बंद कर दे। बंद कर दिया भाई, बच गए सारे। माशाल्लाह कामिया जी, अपना अपरा जी क्या नाची है, ऐसा लग रहा था किसी की भैंस खुल के पागल हो गई है। सारे के सारे। थोड़ा देर और नाचती ना आप यहाँ पे, थोड़ा देर और नाचती, यहाँ तेल निकल आना था। शुक्र आप बच गए। अरे कोलू का बैल नहीं है, कोलू का भैंस है वो। शैलिश क्या अच्छा आदमी है, तेरे सारे रुमाल बिक गए, 2 रह गए। एक दफा नाचने वाले का जनाजा फंस गया ऊपर सेकंड फ्लोर पे। तेरे निकालो भाई, नीचे से मशवरा दे रहा है, नीचे आ जाओ, यहाँ से 1000 का नोट दिखाओ, खुद ही आ जाएगी। राजीव निगम क्या बात है इस आदमी की, बहुत अच्छा आदमी है। चाय पीने गया एक जगह, इसको एक पागल टकर गया। अब उसको नाम पता नहीं, आगे कह रहा है यार अजय चाय पिला दे। उसने कहा यार चाय दे दे यार, चाय दे दिया उसको। दूसरे दिन फिर जाके बड़ा उस होटल में गया, फिर वो पागल आ गया, आ गया अजय चाय पिला दे। उसने बोला लाओ यार चाय दे दे यार इसको। 4-5 दिन तक चलता रहा, छठे दिन यार गुस्से में बैठा हुआ था, कहना आज तो नहीं पिलाऊंगा पागल को। बैठा रहा, भूल गया, अचानक एक आवाज आई, अजय चाय पी लिए, पैसे दे दीजिए। एक मिनट यार, फिर आ गया यार। हाँ भाई क्या काम है तुझे टाइम से? अच्छा अच्छा चलो शायद मैं पूछ लेता हूँ। पूछ रहा वो टाइम कब आएगा जब हम दोनों एक होंगे? वो टाइम कभी नहीं आएगा। हेलो, वो घड़ी तोड़ ले बेटा। सुइयां निकाल के फेंक दे। ओके दफा कर यार, कोई दूसरी ढूंढ, ठीक है। वैसे अब टाइम आ गया, क्या आप वापस चले जाएं? जी ऐसी ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ही कपड़े होते हैं, जब बाढ़ आ जाए ना बम्बई में, तो ऐसे कपड़े औरतें उठा के चलती हैं। आ गया आपका टाइम, जाइए। और एक बात और हो सकती है, दुपट्टा पहना है लेकिन गलत जगह पे पहन लिया है। It's time to say goodbye, पर आप कॉमेडी के सर्कस का मजा लूटते रहिए। After all, laughter is the best medicine. We'll see you next week, same time, same channel, जहां हमारे famous 6 जोड़ियां दिखाएंगी कॉमेडी की एक और नई सर्कस। Until then, keep spreading the wave of comedy circus.